अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ समोसा फोल्डिंग टेक्निक्स। वो भी दो तरीके से मैं आपको शेयर करूंगी। एक जो हमारे पास 9 इंच की लंबी समोसा पट्टी होती है, उससे कैसे समोसा फोल्ड किया जाता है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, उसे जब आप लोग समोसा फोल्ड करते हैं तो वो फ्राई करते वक्त खुल जाता है और जो फिलिंग है वो बाहर आ जाती है। और दूसरा तरीका जो है, जो तिकोनी शीट होती है समोसे की, उससे कैसे समोसा फोल्ड किया जाता है, तो दोनों तरीके से मैं आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दो तरह की समोसा शीट आपके सामने है, एक ये जो 9 इंच लंबी और 3 इंच चौड़ी है, ये आपको पहले मैं दिखा रही हूँ। अब सबसे पहले आपने इसकी लंबाई के रुख पे स्केल को रखना है और 5 इंच पे जाकर इसको फोल्ड करना है। कॉर्नर वाले एच को लेके इसको 5 इंच पे जाके रखना है। ये बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट मैं बता रही हूँ। यहाँ पर मैं मैदे वाली लई लगाऊंगी जो कि समोसे को फोल्ड करने के काम आएगी। यहाँ पर मैं मैदे वाली लई लगा रही हूँ जो कि समोसे को चिपकाने के काम आएगी। अब इसको बहुत एहतियात के साथ कॉर्नर पे उंगली रख के इसको इस तरह से फोल्ड करना है। तो बस ये जो कोन है ये बिल्कुल बंद हो चुकी है। अब इसको हाथ में पकड़ और इसके अंदर मैं फिलिंग रखूंगी, जो भी आपके पास समोसे की फिलिंग है। अब जो इसका छोटे वाला टुकड़ा है इसके ऊपर मैं मैदे वाली लई लगा रही हूं। और इस तरीके से समोसे को बंद कर दिया। बस ये आपके सामने हमारा समोसा जो है ये बन चुका है। ये पहला तरीका है। आपको मैं दोबारा से इसको मैं फोल्ड करके दिखाती हूँ, अगर किसी से इस वीडियो में कुछ भी मिस हो चुका है। ये पहले तरीके से दो समोसे मैंने बना लिए हैं। अब मैं दूसरा तरीका आपके सामने दिखा रही हूँ। इसमें ये जो तिकोनी समोसा शीट होती है उससे ये बना रही हूँ। बिल्कुल सेंटर में रख के इसको फोल्ड करना है। अब इसके ऊपर मैदे वाली लई लगा दी। अब इसका दूसरा किनारा उठा के वो इस लई के ऊपर रखना है ताकि ये आपस में चिपक जाए। इसके अंदर रखी फिलिंग रखने के बाद इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह प्रेस करना है।
और दोबारा से इसके जो तीसरा हिस्सा है इसके ऊपर मैदे वाली लई लगा के इसको बंद कर देना है। किनारों को एहतियात से बंद करना है ताकि वो खुले नहीं। इसी तरीके से दूसरा समोसा तैयार कर लेना है। जिन लोगों को भी समोसा फोल्ड करना मुश्किल लगता है उनके लिए ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।